वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त इंडिया के अलावा बाकी हर कंट्री में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को रिलीज कर दिया गया है, तो इंडिया के अंदर क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा। जाहिर सी बात है एक ही वजह है और वो है कोरोना वायरस। लेकिन कुछ लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि फिर OTT प्लेटफॉर्म पर तो रिलीज कर देना चाहिए ना, OTT प्लेटफॉर्म पर ये लोग क्यों नहीं रिलीज कर रहे। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि फास्ट एंड फ्यूरियस के जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स वगैरह है वो ये बात जान चुके हैं कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसने इंडिया के अंदर अपना एक नाम बना लिया है। तो फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को इंडिया के अंदर जब भी थिएटर्स में रिलीज किया गया तो वो उन लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर देगी। तो दोस्तों वो लोग OTT पर क्यों रिलीज करेंगे। जाहिर सी बात है वो वेट कर लेंगे, जब इंडिया के अंदर कंप्लीटली थिएटर्स ओपन हो जाएंगे तो वो उस फिल्म को फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को रिलीज कर देंगे। तो इसी को लेकर इंडिया के अंदर जब थोड़े बहुत सिनेमा हॉल्स ओपन हुए तो फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की रिलीज डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म 5 अगस्त को इंडिया के अंदर थिएटर्स में रिलीज कर दी जाएगी। तो आपको बताता चलूं कि अभी ये डेट भी पोस्टपोन हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त को फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आपको नहीं देखने को मिलने वाली। जो इसकी न्यू रिलीज डेट अनाउंस की गई है वो है 19 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिनों का फर्क है, 10 से 15 दिनों का फर्क है। 19 अगस्त को ये फिल्म इंडिया के अंदर थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। और इससे भी अच्छी बात, थिएटर्स के अंदर ही इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा। एक बार फिर बताता चलूं कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 19 अगस्त को इंडिया के अंदर थिएटर्स में रिलीज की जाएगी और उसी वक्त इस फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी अपडेट, आई थिंक सो अपडेट आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी अपडेट्स में आपको लाकर देता रहूं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।